तो बालों कैसे उम्मीद फिर से बढ़ाइए कुछ नए बड़े लगे। तो दोस्तों मैं आप लोग को आज मतलब कि जो ब्रश होता है दोस्तों, जो पेंट ब्रश होता है दोस्तों, उसके बारे में पूरा डिटेल आप लोगों को बताऊंगा। प्राइस वैसे ए टू जेड पूरा बताऊंगा, कितना इंच में आता है, क्या क्या है, ए टू जेड पूरा। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहना, तब आप लोगों को पता चलेगा ए टू जेड। पहले एक इंची से शुरू करते हैं। तो आप लोग को ये जो ब्रश दिख रहा होगा दोस्तों, ये एक्चुअल में एक इंची का ब्रश ही है। तो इसका जो कंपनी है दोस्तों, आप लोग देख सकते हो इसमें क्या लिखा है यार, सोनी कंपनी का ही है। इसका जो प्राइस है दोस्तों, ये कस्टमर को दोस्तों 20 रुपये से बिक्री होता है दोस्तों पार्ट पीस का। सोनी पूजा प्रोडक्ट है ये, एक इंची आधा का है। तो इसमें दोस्तों ये एक माइका मतलब लैपटॉप रहता है, माइका का अंदर में रहता है। ये पेन ब्रश ये एक्शन में ऑयल पेन, जो ऑयल पेन आता है दोस्तों, तो ऑयल पेन मारने के लिए यूज़ होता है। एक इंची आधा का है, ये एक्शन में 30 रुपये ऐसे कुछ बिक्री होता है ये। और ये भी एक इंची आधा का है दोस्तों ये। तो मैं आप लोग को 2 इंची का भी दिखाता हूँ। तो ये आप लोग को देख रहा हूँ 2 इंची का है दोस्तों। तो ये 2 इंची का एक्चुअल में दोस्तों, ये 35 ऐसा कुछ बिक्री होता है, 35-30, ये भी 35-30 ऐसा कुछ बिक्री होता है दोस्तों ये 2 इंची का। तो मैं आप लोग को अभी दिखाऊंगा 3 इंची का, 3 इंची नहीं 2 इंची आधा का दिखाऊंगा। तो ये एक्चुअल में 2 इंची आधा का है दोस्तों। तो ये एक्चुअल में 40 रुपये ऐसा कुछ बिक्री होता है पर पीस में दोस्तों। तो आप लोग स्टेट में अलग अलग हो सकते हैं, स्टेट के हिसाब से भी कुछ अलग अलग होता है दोस्तों प्राइस वाइज। तो ये 2 इंची आधा का है। और ये एक्चुअल में दोस्तों आप लोग देख रहे हो ये 3 इंची का है। तो 3 इंची का दोस्तों पर पीस में दोस्तों 50-60 ऐसा कुछ बिक्री होता है 3 इंची का। तो मैं आप लोगों को खोल के भी एक बार दिखा देता हूँ तो दोस्तों इसका अंदर में कैसा दिखता है। तो मैं इसको एक बार खोल लेता हूँ जिससे कि आप लोगों को और अच्छे से मतलब कि पता चले। वो ये मैंने खोल लिया दोस्तों। तो इस तरह से कुछ होता है। तो आप लोग इसमें देख रहे हो इस तरह आप लोग पेन मारोगे तो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही स्मूथ निकलता ही है। तो इसका मुंड भी आप लोग को देख रहा हो इस तरह से कुछ चाहिए। तो ये हो गया दोस्तों आप लोग का 3 इंची का। तो मैं आप लोग का भी 4 इंची का दिखाता हूँ। तो ये एक्चुअल में 4 इंची का है, आप लोगों को देख रहा होगा 4 इंची। तो इसको भी आपको मतलब खोल के दिखाता हूँ। इसका जो प्राइस है दोस्तों 60-70 ऐसा कुछ बिक्री होता है दोस्तों ये पर पीस में। तो अलग अलग होता है ये। तो मैं आप लोग इसको खोल लेता हूँ एक बार दोस्तों। तो मैंने इसको खोल दिया तो ये देख सकते हो इस तरह से बहुत बड़ा है। तो इसमें आप लोग 100 mm लिखा है दोस्तों, 100 mm का 4 इंची का हो गया। तो आप लोग इस तरह से मार सकते हो, बहुत ही स्मूथ होता है दोस्तों, मुलायम होता है ये। और दोस्तों बड़ा वाला जो ब्रश होता है डिस्टेंपर ब्रश, जिससे जो वॉल पेंट मारा जाता है, तो वॉल पेंट मारने के लिए दोस्तों ये आप लोग को देख रहा हूँ ओवल सुन है। तो इससे मतलब कि मारा जाता है। इसका जो MRP है दोस्तों 180 है, और इसमें दोस्तों ये 120-150 ऐसा कुछ बिक्री होता है। तो मैं इसको एक बार खोल के आप लोग को दिखा देता हूँ। तो चलो इसको खोलते हैं एक बार। इस तरह से इसमें क्या बोलते हैं, ब्लैक टिप लगा हुआ है। तो उसको तो ये है दोस्तों 4 इंची का सबसे बड़ा वाला दोस्तों, उसे है वॉल पेंट का। और ये है वॉल का डिस्टेंपर वगैरह, और आप लोग वॉल में मार सकते हो वॉल का जो पेंट आता है। उसको खोल के देखते हैं, ये बहुत ही मोटा रहता है दोस्तों। तो इसको मैं खोल लेता हूँ एक बार इस तरह से। तो इसको मैंने खोल लिया। तो आप लोग इसमें देख रहा हो दोस्तों, उसका जो मोटा ही दोस्तों, आप लोग देख सो कितना स्मूथ है, कितना मोटा है इसका। ओ माई गॉड, तो इस तरह से कुछ होता है दोस्तों। ये बहुत ही बड़ा ही है, आप लोग इसमें देख रहे हो येलो कलर में आता है। ये लकड़ी का होता है प्योर दोस्तों, लकड़ी का। और ये जो कंपनी है दोस्तों भारत कंपनी का, ये आप लोग इसमें देख रहे हो, उसका नाम भी लिखा है। तो इसमें 4 इंची 5 इंची भी आता है दोस्तों, 5 इंची का भी आता है। तो 5 इंची इतना नहीं चलता है। तो ये 4 इंची और ये 3 इंची ज़्यादा चलता है। और ये 3 इंची का है दोस्तों, ये सेम ही है। इसका जो प्राइस है दोस्तों ऐसे 80-90 ऐसा कुछ बिक्री होता है पर पीस का दोस्तों। लोग को ब्रश देख रहा होगा दोस्तों, ये एक्चुअल में जो वार्निश होता है दोस्तों, वार्निश आप लोग को पता होगा वार्निश क्या होता है। तो ये वार्निश मारने के लिए होता है दोस्तों, पॉलिश मारने के लिए। तो बहुत ही स्मूथ, बहुत ही मुलायम होता है ये। 75 mm का मतलब ये 3 इंची का हो गया दोस्तों। तो ये 4 इंची का इतना नहीं चलता है दोस्तों। तो ये 3 इंची, 2 इंची, 2 इंची आता है, 1 इंची। और ये जो पेंसिल ब्रश होता है ये सब ज़्यादा चलता है इस समय। तो इसका जो प्राइस है दोस्तों 3 इंची का आप लोग का 120-130 ऐसा कुछ पड़ेगा दोस्तों पर पीस का। और इसमें एक आता है 2 इंची आधा का दोस्तों, आप लोग को दिख रहा होगा 2 इंची आधा का, ऐसे 100 कुछ ऐसा पड़ेगा दोस्तों पीस में, बहुत ही दाम है। और ये जो 2 इंची का दोस्तों, ये आप लोग को 100 रुपया या 90 ऐसा कुछ पड़ेगा पर पीस में दोस्तों, 50 mm का है। तो इसमें दोस्तों इससे भी छोटा वाला भी आता है दोस्तों, इससे छोटा यानी जो पेंसिल ब्रश होता है छोटा वाला आता है। तो वो मेरे पास है नहीं, वो मंगाया नहीं। और ये आप लोग को जो दिख रहा हो दोस्तों, ये एक्चुअल में शू ब्रश है दोस्तों। ये 6 इंची का शू ब्रश ही है, 6 इंची का शू ब्रश। तो इससे पेंट से मारा जाता है दोस्तों, जो वॉल में डिस्टेंपर हो गया, वॉल का पेंट हो गया दोस्तों, छत में इससे मारा जाता है। तो ये 6 इंची का जो प्राइस है दोस्तों, ये आप लोग को पर पीस में ऐसे आप लोग को मतलब कि 60 ऐसा कुछ गिरता है दोस्तों, 60 रुपीज़ पर पीस का। और मैं आप लोग को दिखाऊंगा अभी 8 इंची में। तो 8 इंची में ये वाला है दोस्तों, 8 इंची का। इसका दोस्तों आप लोग को 80-90 ऐसा कुछ गिरेगा पर पीस का दोस्तों। तो ये 8 इंची लकड़ी का है पूरा दोस्तों, लकड़ी का है। और ये इसमें दोस्तों ये शू ब्रश बोला जाता है दोस्तों, एक्चुअल में ये शू के लिए यूज़ होता है। असल में दोस्तों ये कंपनी ने बनाया शू के लिए बनाया, जो शू मतलब कि शू पॉलिश करता है ना दोस्तों, जो स्टूडेंट का जो शू होता है काला शू, तो ये शू में भी यूज़ कर सकते हो। और शू के लिए तो है ये, और पेंट के लिए भी यूज़ होता है ज़्यादा से दोस्तों, पेंट के लिए यूज़ होता है दोस्तों। जो कस्टमर लेते हैं दोस्तों ज़्यादा से पेंट के लिए यूज़ होता है, शू के लिए इतना नहीं। पेंट के लिए दोस्तों ऐसे ही मतलब अगर मान लीजिए कोई एक घर में पूरा पेंट मारा जाएगा घर में, तो दोस्तों लोग कस्टमर क्या बोलते हैं कि 20-30 पीस ऐसा भी लेते हैं दोस्तों कस्टमर।
क्योंकि ये बहुत ही मुलायम होता है दोस्तों, इस तरह से पेंट मारा जाता है। तो हम लोग का जो सीलिंग में आप लोग को देख रहा है पेंट दोस्तों, वो पेंट भी इसी से मारा हुआ है दोस्तों, एक सिल्वर डिस्टेंबर मारा हुआ है ऊपर में छत में, तो यही है जो सूबड़े से मारा हुआ है। तो इस तरह से कुछ है दोस्तों। और मैं आप लोग को और एक चीज़ दिखाऊंगा, रोलर दिखाऊंगा दोस्तों। ये जो आप लोग को दिख रहा होगा रोलर, ये तो ये रोलर है दोस्तों। रोलर तो बहुत यूज़ होता है दोस्तों, ज़्यादा से जो पेंट वॉल में मारा जाता है रोलर से मतलब पेंट मारा जाता है। तो इसमें खोल लेता हूँ, तो इसमें आप लोग देख सकते हो दोस्तों, तो मुलायम है दोस्तों, मुलायम मुलायम। तो इस तरह से मारा जाता है, अंडर में BRD से लगा हुआ जैसा है दोस्तों, इस तरह से घुमा घुमा के। तो इसका जो प्राइस है दोस्तों, ये MRP 299 है, 200 रुपये में बिक्री होता है, 200-250 में ऐसा कुछ बिक्री होता है पार्ट इसका दोस्तों ये। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चाहिए दोस्तों। आप लोग को इस तरह से कुछ जानकारी चाहिए तो दोस्तों आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो।